पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के गोविंद नगर आउटर के पास बीते शनिवार की रात को लुटेरों ने ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर जीआरपी के आईजी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने पर 4 सिपाहियों को निलंबित किया गया, तो वहीं उसी को लेकर आज जीआरपी ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण कर दिया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूरी पर गोविंद नगर के पास फैजाबाद ट्रेन में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे मुंह पर काला मास्क लगाए हुए थे, चाकू और तलवार ले रखी थी। उन्होंने अलग अलग लोगों से मोबाइल, पैसे आदि चीजें लूट कर फरार हो गए थे। इसी को लेकर आज जीआरपी और आरपीएफ मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि 9 और 10 तारीख की रात को जीआरपी अनुभाग में लूट की घटना को पारित किया गया था, उसी का सफल अनावरण आज जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है। दिनांक 9-10 की रात को हमारे यहाँ पे जीआरपी अनुभाग में एक लूट की घटना को कारित किया गया था, उसी का सफल अनावरण आज जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है। उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता है। इसके अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुठभेड़ में घायल हुआ है और दूसरा जो है 2 अभी भी गायब हैं, फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभी कराई जा रही है। बिल्कुल है, गौरव और दीपक दोनों पूर्व में जेल जा चुके हैं। गौरव कई संगीन मामलों में भी जा चुका है, दोनों अपराधी हैं और इनके ऊपर अभी ये मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा जो 2 भागे हुए फरार हैं, उनका भी अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनके पास से जो हमारे लूट के 39/22 के 2 मोबाइल रिकवर हुए हैं, इसके अलावा 4 मोबाइल और रिकवर हुए हैं, जिनको कि अभी हमें कनेक्ट करना है। इसके अलावा 40/22 का इनके पास मंगलसूत्र मिला है, छोटी बालियां मिली हैं जो झुमकी नुमा उस लड़की ने पहने हुए थे कानों में, वो इनके पास से रिकवर हो गए हैं। साथ में जो उन्होंने 39/22 का पर्स छीना था, उसके पैसे निकल गए हैं, पर्स इन्होंने कहीं फेंक दिए हैं। और इसके पास जो 40/22 था, उसका भी कुछ पैसा इनके पास से रिकवर हुआ है। इन्होंने एक छुरा नामा जो चीज़ का प्रयोग किया था, वो छुरा लंबा सा इनके पास से रिकवर हुआ है। और क्योंकि कल इन्होंने जो है पुलिस फायर पे फायर झोंका था, इनके पास से तमंचा जिंदा कारतूस के साथ बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस को कोई जो टीम है उसको इनाम की घोषणा? बिल्कुल, इसमें इनाम की घोषणा की जाएगी। बहुत अच्छा गुड वर्क इसमें पुलिस द्वारा किया गया है। बहुत कम दिनों में, मात्र 4 दिनों में इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें जरूर जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके हमारे स्तर पे भी इसमें जो है घोषणा की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।